मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बालों पर कलर या फिर ब्लीच करवाते हैं तो उसकी वजह से हमारे बाल शुरुआती दौर में तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा भद्दे दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा डैमेज भी हो जाते हैं। ब्लीच और डैमेज बालों को सही करने के लिए मैं अपनी आज की वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप आसान से तरीके से अपने घर बैठे ही ब्लीच और डैमेज बालों को सही कर सके। अगर आपने भी अपने बालों पर ब्लीच करवाई है और उसी की वजह से आपके बाल डैमेज हो गए हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए आप एक हेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, दही और जैतून का तेल। 2 से 3 बड़े चम्मच दही के अंदर 2 से 3 छोटे चम्मच जैतून का तेल मिक्स कर लीजिए और इसे अपने बालों में अच्छे तरीके से ऑयल की तरह या फिर हेयर मास्क की तरह लगाइए। इसे कम से कम अपने बालों में 1 घंटे तक रहने दीजिए और उसके बाद अच्छे शैम्पू और कंडीशनर से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अगर आप 1 हफ्ते में 2 बार ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके बालों की डीप कंडीशनिंग होगी, बालों से ब्लीचिंग एजेंट कम हो जाएगा और आपके डैमेज बाल जो काफी ज्यादा परेशान करते हैं आपको, वो भी काफी हद तक मुलायम बन जाएंगे। अगर आपके सर के अंदर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ठीक कर सकता है। बालों के रूखेपन को दूर करके बालों को सुंदर बनाने के लिए ये काफी अच्छा उपाय है। सो दोस्तों, अपने डैमेज बालों को सही करने के लिए इस उपाय को जरूर अपनाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।